ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालना स्टार्ट करिए, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। बोलिए बेटा। सर आपने एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज याद करने को बोली थी, तो सर वो मतलब इतनी आसानी से याद नहीं हो रही है, उसको अच्छा, कैसे अच्छा। करें? तो बेटा उसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, क्वेश्चंस आप लगाइएगा। यस ठीक है, क्वेश्चंस की हेल्प से होती है। चलिए तो बच्चों हम लोग यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, अगर टाइम मिला तो हम लोग लास्ट में कुछ जेई के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो आपको उन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन खुद ब खुद दिखाई देगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग ने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दो बातें समझने की कोशिश करिए। ऐसे तो हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको क्रैमर्स रूल्स अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो बाद में देखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। अब आप ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट सिस्टम बिल्कुल नाम ही नहीं सुना होगा आपने, कंसिस्टेंट सिस्टम का नाम आपने पहले भी सुना है। जब आप क्लास 10th में थे तो वहां पे चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वहां पर आप ये वर्ड यूज करते थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वहां पर आपको बताया जाता था कि जो कंसिस्टेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कंसिस्टेंट का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये मतलब होता है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और वो सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन अगर किसी भी तरह का एग्जिस्ट करे, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट। तो बच्चों इस बात को आप लिख सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent. A system of equations is said to be consistent if its solution, अब वो जो solution हो सकता है वो one unique भी हो सकता है और unique से ज्यादा भी हो सकता है, one मतलब one और more हो सकता है इस तरीके से। बच्चों अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैंने जस्ट क्लास स्टार्ट किया, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है, चाहे वो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन हो चाहे वो एक यूनिक सॉल्यूशन हो, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं वो कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। और किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आता है तो वो तभी आता है जब वो कंसिस्टेंट हो, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बच्चों दो तरह के वर्ड होते हैं, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। अब यहां पर आप हेडिंग डालिए इनकंसिस्टेंट, नाम से ही क्लियर है, आप समझ गए होंगे इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब उसका नो सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इनकंसिस्टेंट सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। तो बच्चों वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी अभी कुछ बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं लिख भी दे रहा हूं अलग से। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन does not exist. अगर किसी भी तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता तो उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और ये आपके लिए काफी पुराने वर्ड है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यूज किए। ठीक है, तो आप ये सारी बातें आप पहले से भी जानते हैं, आप ऐसा ना समझिए कि आपने पहली बार सुना। ओके, तो बच्चों हमारे पास जैसे यहाँ पर दो इक्वेशंस है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एप्लीकेशन आपको करके बताता हूँ। तो एक मैं एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, उससे आपको एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व
the system of equation solve the system of equations so system of equations वो है 2x plus 5y is equal to 1 और दूसरी इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 7. तो बच्चों आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं. इन दो इक्वेशंस को हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कह सकते हैं. ये दो की जगह तीन इक्वेशंस भी हो सकती है, समझ रहे हो? ये दो की जगह तीन इक्वेशंस भी हो सकती है और हो सकता है ये तीन वेरिएबल्स में भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है. तो अभी जो सबसे छोटा एग्जाम्पल हो सकता है मैं पहले आपको उससे समझा रहा हूं. तो अगर आपको सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी अगर आपको उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, इन सब को यूज करते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मल तो सॉल्व करना सभी जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड को यूज करके सॉल्व कर लेंगे. लेकिन अगर आप जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ती है, मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए क्या है आपकी? एक 2x2 मैट्रिक्स बन करके आप बनाएंगे. तो 2x2 मैट्रिक्स के अंदर आएगा 2, 5, 3, 2, ठीक है. और एक दूसरी मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे x. उस x के अंदर क्या आएगा? उस x के अंदर आएगा x और y, ठीक है. और एक तीसरी मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे b. उस b के अंदर क्या आते हैं? कॉन्स्टेंट आते हैं. मेरे ख्याल से ये इक्वेशन मैंने आपको पिछले टर्म में बताई थी कि कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो हम सॉल्व करने के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी. और बच्चों ए आपको पता है, एक्स भी पता है और बी भी पता है. तो अगर हम यहां पर ए पुट कर दें, एक्स की वैल्यू पुट कर दें और बी पुट कर दें, तो ए और एक्स फाइनली मल्टीप्लाई होकर के यही इक्वेशंस बना देंगे वापस, है ना. तो यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने मैट्रिसेस के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज ए एक्स इक्वल टू बी. तो बच्चों ध्यान से देखिए, अभी आपके पास दो हैं और जब तीन इक्वेशंस आएंगी तो भी आप यही काम करेंगे. तो आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं. इनको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया यूजिंग मैट्रिसेस? आपने रिप्रेजेंट किया ए एक्स इक्वल टू बी. अब बच्चों आपको क्या निकालना है? आपका काम है कि आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालें. स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालने का क्या मतलब है कि आपको कैपिटल एक्स निकालना है. और बच्चों कैपिटल एक्स आप यहां से कैसे निकालोगे? आप ये थोड़ी ना कहोगे कि सर कैपिटल एक्स निकालना है तो कैपिटल एक्स को लिख दो बी बाय ए. दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिखते. तो मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी लिखने के लिए? मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी इनवर्स मल्टीप्लाई, दोनों तरफ यस दोनों तरफ हम प्री मल्टी पोस्ट नहीं करते, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे. तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. और बच्चों पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां का आइडिया कुछ और हो जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा. आपको प्री मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्री मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. और ये आई एक्स क्या बन जाएगा? आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. दैट मीन्स यहां से एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी. इसका मतलब बच्चों अगर आपको एक्स निकालना है, एक्स निकालने का मतलब आपको स्मॉल एक्स वाई निकालना है, तो इनके निकालने का मतलब ये है कि आप पहले ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स निकालने के बाद उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका कुछ काम बनेगा. तो बच्चों आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तभी मैंने काफी देर तक एक्सप्लेन किया. और यही सेम स्ट्रेटेजी आपको तीन इक्वेशंस में भी यूज करनी होगी. और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता ही आता है. तो इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. और बोर्ड एग्जाम तो इस बार होंगे ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हर बार बोर्ड एग्जाम ना हो, ठीक है. ओके तो बच्चों आप समझ गए होंगे. तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी किस तरह से मैं लिखा, ये सभी को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब बच्चों हमें ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स क्या होता है बच्चों? ए इनवर्स होता है 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये बच्चों मैंने आपको पिछले टर्म पे आपको इनवर्स की थ्योरी पढ़ाई थी, इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई थी, बताया था कैसे जनरेट होगा. इसको जनरेट करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज यूज की थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की एडजॉइंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई. उसको यूज करके मैंने आपको बताया था
कि आप ए इनवर्स को कैसे लिख सकते हो, उसी को यूज करके मैंने निकाला था ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप इसको फाइनली याद रख लीजिए कि जो ए इनवर्स होता है वो 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए होता है। अब ये मत कहिएगा कि ऐसा लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके ओके बच्चों, तो बच्चों अब किसी का भी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? -11। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी ने बताया है, क्या बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए? -11। ओके, -11। तो बच्चों ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सर अगर हम दूसरे केसेस को कंसिडर करें, लेट्स से अगर हमें अपनी थ्योरी को एक्सटेंड करना हो, तो थ्योरी को एक्सटेंड कैसे करेंगे? थ्योरी तभी एक्सटेंड होगी जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो बच्चों इस थ्योरी को भी समझ लो कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ध्यान से सुनिएगा, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट भी हो सकता है विद इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि लिखवाने वाली लैंग्वेज काफी टिपिकल हो जाती है, वो समझ में कम आती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको 10 टर्न से मतलब पिछले 2 टर्न से तो समझा ही रहा हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, ये तो हर केस में यही आता है। सर वो वाला केस बताइए जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए तब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हमें जवाब क्या देना होगा? तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकता है विद इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो हम इस बात को एक बार लिख भी दे सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन आइदर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, नहीं विद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो तभी निकलता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर आपके पास दो ही केस बचेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आइदर कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस और कौन सा केस हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब तुम कहोगे सर ये दो केसेस हम चेक कैसे करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है विद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट है? तो उसको चेक करने के लिए बेटा हमें छोटी सी वर्किंग करानी होती है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, समझ गए? और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ गया तो वो होगा कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा? कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये भी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप ज्यादातर बुक में यही पढ़ते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, काम खत्म, उसके बाद पूरी वर्किंग दिखा देते हो। लेकिन इन केस कहीं पे भी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया, तो आपका खेल ऐसे चलेगा जो मैंने आपको बताया। उस केस में आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनकंसिस्टेंट, अगर इक्वल टू जीरो है तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मैंने आपको काफी देर तक ये बात एक्सप्लेन कर दी है। तो इसको बताने वाला एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम भी है, उसको मैट्रिक्स जॉर्डन मेथड कहते हैं। तो नाम याद रखना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। तो दो तरह के साइंटिस्ट चलते हैं बेटा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। एक कब चलता है क्रैमर्स,
और एक होता है कौन सा बताया, एक दूसरा साइंटिस्ट भी नाम बताया, हाँ जॉर्डन करके एक और साइंटिस्ट, ये दो साइंटिस्ट चलते हैं, इनका नाम चलता है। तो अभी मैंने आपको ये जॉर्डन का रूल बताया कि जॉर्डन ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जनरेट करने का, उनका सॉल्यूशन निकालने का है कि नहीं है, ये सारे मेथड बता रखे हैं। क्रैमर्स भी होता है, लेटर ऑन देखेंगे उसको भी हम लोग। ओके बाय द वे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन में का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। इतनी देर में बच्चों ने इनवर्स निकालने के लिए कहा होगा कि सर आपको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, तो सर एडजॉइंट ए के लिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, C11, C12, C21, C22। तो सब बच्चों ने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया, क्यों भाई? Yes, कर लिया ना। कैसे बताया था, हमने कहा था ऐसे ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, को फैक्टर्स को लिखने का तरीका। कोई बच्चा है जो बता सकता है ये क्या आएंगे निकल करके? C11 2 आएगा, C12 -3 आएगा और C21 -5 और C22 2। इतनी जल्दी जल्दी बता दिया तुमने, चलो जो मैं देख लेता हूँ। ओके ये बच्चों वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है मेरे को, ओके, और उसके बाद ये वैल्यू हमको दिख रही है 3, उसके बाद ये वैल्यू हमको दिख रही है 5 और उसके बाद ये वैल्यू हमको दिख रही है 2। ठीक है, सही लिखा है मैंने, 2 -3 -5 और 2, ये बच्चों आ गए कोफैक्टर्स। अब उस कोफैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स बनानी है इसका ट्रांसपोज लेकर। ठीक है, तो बच्चों मैं अब डायरेक्टली लिखना ही स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि इतना तो आप कर लोगे। x इक्वल टू ए इनवर्स b था, ए इनवर्स क्या था, वो था 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, वो आप लिख सकते हो क्योंकि आपने अभी जस्ट कोफैक्टर्स निकाले। तो कोफैक्टर्स आपने निकाले हैं 2 -3, ओके 2 -3 हम ट्रांसपोज लेकर के लिख रहे हैं, दिस इज -5/11 और 2, ठीक है, हां -1/11, ठीक है, कर दिया कर। ओके तो x क्या आता है, a इनवर्स इनटू b, तो a इनवर्स हमने लिख दिया 1/mod a इनटू एडजॉइंट और b का मल्टीप्लाई हमको और करना पड़ेगा, तो मॉड है ना -11 तो 11, ठीक है, क्या वो मॉड नहीं होता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। हाँ, अरे भैया कहानी खत्म हो गई, वो मॉड नहीं होता, मॉड की तरह दिखता है वो, होता डिटरमिनेंट। कोई बात नहीं, आप याद रखिए वो डिटरमिनेंट होता है, आप माइनस भाई डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी आपको वही प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ओके तो बी क्या है यार, बी है हमारा 1/7, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से क्या करेंगे, काम करते हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये 2×2 की मैट्रिक्स है, इसमें एक, इसमें दो रो एक कॉलम है, ये 2×1 की मैट्रिक्स है, दो रो एक कॉलम। क्या पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है? हाँ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये मल्टीप्लिकेशन वैसे पॉसिबल हर बार होता है, लेकिन मैंने आपको क्रॉस चेक इसलिए कराया क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, इसलिए आप चेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये 2×1 और -5×7, तो कितना हुआ, -35 + 2 -33, और ये हुआ -3 और 14, ये हुआ 11। तो ये वैल्यू बच्चों, अब जो -1/11 है ये मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस में वो हर एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हो -1/11, तो यहाँ बच्चों आएगा 3 और यहाँ पर आएगा -1, इसका मतलब बच्चों स्मॉल x आपका आ गया 3 और स्मॉल y आ गया आपका -1। तो बच्चों जो काम आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो इक्वेशंस लेकर के लिया है, यही काम आपको 3 इक्वेशंस लेकर के भी करना पड़ सकता है। और जो 3 इक्वेशंस वाला जब एग्जाम में आता है, मतलब अभी तक 99% एग्जाम में आता ही है, तो वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, उसे आपको पहले करना होता है। जिस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का, ये सब बड़े बड़े वेटेज के क्वेश्चंस होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो सबसे पहले हम लोग बड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो बड़े क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है अब जो हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए, पहले वाला क्वेश्चन हमने काफी देर तक समझा दिया, जिसने क्लास लेट भी ज्वाइन की होगी वो भी समझ गया होगा पूरा। ओके
This is solve the system of equations. System of equations. Sir, एक मिनट ऊपर कर दीजिए. अभी करते हैं. Using matrix method. Using matrix method. तो matrix method को use करके हमें system of equations को solve करना है. मैं बस equations लिख दूँ, उसके बाद मैं screen आपकी scroll कर दे रहा हूँ. तो पहली इक्वेशन है बच्चों 3x minus 2y plus 3z is equal to 8. दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपकी 2x plus y minus z is equal to 1. और थर्ड इक्वेशन है बच्चों आपकी 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. तो ये बच्चों तीन इक्वेशंस है आपके सामने. अब आपने जो काम दो इक्वेशंस के लिए किया था वही काम आपको तीन इक्वेशंस के लिए करना है. तो करना स्टार्ट करिए और एक्स वाई जेड को इवैल्यूएट करिए. मैं आपका वेट कर रहा हूं पूरी तरह से. हाँ, आप किसी और मेथड से सॉल्व मत करिएगा. ये नहीं कि आप इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं. मैंने इसलिए आपको हाईलाइट किया है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है. आप अपने हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन ना करने बैठ जाइएगा. ठीक है, आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से नहीं करना, मेरे हिसाब से करना है मैट्रिक्स मेथड जो अभी मैंने आपको सिखाया. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको स्टेप्स तो बच्चों रट गए होंगे, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ए लिख लेते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा टाइम बचेगा. तो यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले इवैल्यूएट करने के लिए बनाता हूँ. जस्ट वेट. तो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए बता सकते हैं कैसे निकालेंगे. अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, पहले हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स के सिंबल से ही रिप्रेजेंट करें. तो दिस इज 3 माइनस 2 3 और उसके बाद है 2 1 माइनस 1 और उसके बाद है 4 माइनस 3 और 2. ये है बच्चों, ठीक है. अब बच्चों अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो डिटरमिनेंट लेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी. एनीवन? -17. ओके गुड, -17. तो बच्चों अगेन कहोगे सर ये तो सारा फिर से नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी पूरी वर्किंग सर ऐसे ही चलेगी. तो सर जो आपने वर्किंग बताई थी ये वर्किंग कहीं आती नहीं है क्या. बिल्कुल आती है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पार्ट में आ चला जाता है ये. ओके तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके पास बोर्ड्स में आएगा वो तो 5 मार्क्स का वो यही क्वेश्चन होता है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है ना, ये 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है. आपको पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा. ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं होता. जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पिछले टर्म पे आपको जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो उस पे बेस्ड होते हैं. ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर लोग को प्रॉपर्टी नहीं पता होती है तो वो क्वेश्चन को बस हिलाते रहते हैं. बड़ा बड़ा वो लोग एडजॉइंट ए निकालने में समय खराब करेंगे, डिटरमिनेंट पता नहीं क्या क्या निकालने में समय खराब करते हैं, क्वेश्चन छूट जाता है. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया. उसके बाद हम लोग को फैक्टर्स निकालने, जरा फटाफट निकाल लेते को फैक्टर्स. आ जाओ, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. उसके बाद इस तरह से इक्वल का साइन बगल में लगाते जाओ. या आपको कोई और मेथड आता है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, मेरे को ये आसान लगता है. हो सकता है कोई बच्चा और ज्यादा स्मार्ट हो, जल्दी कर लेता हूँ. तो ये बच्चों मैंने बना दिया, मैं इसलिए बना लेता हूँ ताकि साइन की कहीं गलती ना हो, क्योंकि ये माइनर नहीं है, ये कोफैक्टर है. तो यहाँ साइन की गलती हो सकती है, उससे आपको बचना है. तो बाहर होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन तो भी कई बच्चों से गलती होती है. ओके, तो ये पहला वाला कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1. तो ये -1 आएगा, ये हो जाएगा -1. ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 8. तो ये हो जाएगा -1. क्या हुआ, गलत लिख दिया क्या, सही तो लिखा है, कुछ गलत लिख दिया क्या. सही लिखा है. नो सर, सही है, सही तो लिखा है. -6, -4, -10 ही तो आएगा. अरे लिखने दो, तुम लोग अपना चेक करो.
यहां पर आएगा फाइव माइनस सिक्स टू थ्री माइनस वन चेक करो यही आ रहा है ना, यही आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं दोबारा चेक कर लूं। कौन सा? C21। ओके, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। C21, जस्ट वेट। इधर देखो, C21 का मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखो बेटा, ये मैंने सेकेंड रो काटी और फर्स्ट कॉलम काटी, और जो एलिमेंट हमारे पास बचे हैं वो बचे हैं माइनस टू टू और थ्री और माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस फोर प्लस नाइन, और माइनस फोर प्लस नाइन क्या होता है, फाइव होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस फाइव हो जाएगा। क्या डाउट है? सही तो है। तो बच्चों, मैंने कोफैक्टर से बना ली अपनी मैट्रिसेस। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। मेन यही पार्ट होता है जो अगर आपको पेशेंस रखते हुए निकालना पड़ता है, इसमें कई लोगों का पेशेंस भी खत्म हो जाता है। ओके, तो आप इसको निकालिएगा, उसके बाद मैं जरा सा काम कर देता हूँ, क्वेश्चन खत्म। अब आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन मॉड ए होता है। तो वो माइनस 17 है, उसको प्लस 17 मत लिखना, क्योंकि ये मॉड का मतलब होता है डिटरमिनेंट। वन अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइन, बोलता मैं मॉड हूं क्योंकि दिखता मॉड के, लेकिन है वो एक्चुअली में डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बोलने में समय लगता, मॉड बोलने में समय नहीं लगता। चलिए, तो माइनस वन, जस्ट वेट, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कहां गया माइनस वन, माइनस एट, माइनस टेन, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, वन, माइनस वन, नाइन, सेवन, यह आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बी क्या है? बी भी लिख देते हैं, साथ में करते चलो, ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद एट, वन, फोर, ठीक है, यह आ गया। उसके बाद ये हो गया माइनस वन बाय सेवनटीन, और इस x को अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इस x को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस x का मतलब ये है x, y, z, अगर आपको कम समझ में आता है तो। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया भी सर। x1 y2 z3 ओके, माइनस 17, माइनस 34, और यहाँ आएगा माइनस का 51। तो ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1, 2, 3। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। और बच्चों, आपका आंसर सही आया कि गलत आया है ये तो छोटी सी बात है, उसको वेरीफाई करने के लिए जो आपके एक्स वाई जेड निकले हैं उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उसको सेटिस्फाई करें। और अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उसका मतलब आपने जो भी मेहनत की है वो सही है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। ये फाइव मार्क्स क्वेश्चन है, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, फाइव मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। ये बोर्ड्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको स्कूल के एग्जाम में कम से कम 100 बार मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। वो क्वेश्चन होते इजी हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा डाउट है कि सर वो क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, ये क्या हो रहा है। बताओ, ये भी अब काम कर रहे हैं बच्चे? तो कोई बच्चा ऑनलाइन कॉल कर रहा है, तो बच्चों, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं, लेकिन ये होते इजी है।
देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते इजी हैं, आप उसको टफ ना बना दीजिएगा कि सर ने कराए नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए भाई सभी बच्चे, क्या लिखा है? लिखा है द सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री एंड द सेकेंड नंबर, पढ़ लो क्वेश्चन, एंड द सेकेंड नंबर टू इट, थर्ड नंबर बाय थ्री ओके एंड सेकेंड नंबर टू इट, इसमें ऐड कर देते तो 11 आ जाता है, एंड बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट इट एलजेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको एक्सप्रेस करना है, और जब आप एक्सप्रेस कर लें तो फिर आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आई थिंक अभी तक आप लोग ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा भाई स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ लिया ना स्क्रीन पे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस तो यार बहुत छोटे में हम लोग करते थे, जैसे तीन नंबर्स का समय सिक्स। अब आप समझ लो ये तीन वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आप मान लो फर्स्ट नंबर आपका एक्स है, सेकेंड नंबर वाई है, थर्ड नंबर जेड है, ये अपने मन से आप लेट कर लो, और लेट करने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी ये हेल्प करूंगा कि हम आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना करके दे देंगे, बाकी आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया x plus y plus z is equal to 6, this is your first equation, ठीक है? उसके बाद कह रहा if we multiply third number by 3, तो third number आपका z है, उसको अगर हम 3 से multiply करते हैं and add second number to it, और इसमें second number add कर देते हैं, तो जो result आता है वो 11 आ जाता है, ऐसा कुछ है। अगर आपको x लिखने की आदत है तो आप 0x भी लिख सकते हो, ये तो आपका मन है अगर आदत है लिखने की। उसके बाद है by adding first and third number, ध्यान से देखिए उसके बाद भी लिखा हुआ है by adding first and third number, that means x plus z, we get double of the second number, double of the second number, ठीक है? तो आपकी ये क्वेश्चन कैसे दिखाई देगी, दिखाई देगी x minus 2y plus z is equal to 0। तो बच्चों आपके पास तीन इक्वेशंस बन के आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है? तीनों इक्वेशंस आपको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम इन इक्वेशंस में? इक्वेशंस आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों अगर इक्वेशंस आपके पास क्लियर है तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे थे, ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, तो फिर आप एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स होगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या लिखते हैं, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैलकुलेट करेंगे फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है? इतना काम आप खुद से भी कर सकते हो, मेरी आपको कोई हेल्प नहीं आनी चाहिए इसमें। इसका जो आंसर आता है बच्चों, फिर एक्स की वैल्यू आती है 1, y की वैल्यू आती है 2, और z की वैल्यू आती है 3। इसको आप खुद से भी घर पे भी कर सकते हो, ठीक है भाई? एक बार करके थोड़ा बहुत चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन का इंतजाम कर देता हूँ आपका, ठीक है भाई? स्टार्ट करते हैं। करके देख लो, रुका हुआ हूं मैं अभी भी, एक बार करके चेक कर लो। किसी को डाउट है तो अभी चेक कर ले भाई, कोई पूछना है तो पूछ ले। कोई डाउट नहीं, ठीक है? मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपके पास एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट वाला इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि स्टेटमेंट वाले बच्चों को पता नहीं क्वेश्चंस क्या समझ में, कुछ है ही नहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, एक तो करके देखो तो खुद से कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो बच्चों 16 क्वेश्चन मैंने लगा दिया, इसके पहले वाला आप घर पे कर लेना, उसको छोड़ दो, तरीका आपको पता है, आप कर सकते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी मैंने ब्लिंक किया है, जरा ध्यान से देख लो। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। द
The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat, and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. कहोगे सर ये तो वही क्वेश्चन है, बस पीछे वाला जो क्वेश्चन आपने कराया था वो नंबर्स के टर्म्स में था, यहाँ वाला क्वेश्चन जो है प्याज और चावल और गेहूं उसके टर्म्स में दिया गया, तो जो पूछ रहा है इसको लेट कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी इज, मान लो ऑनियन का एक्स है, वीट का वाई है और राइस का जेड है, इस तरह से लेट कर लो और आपकी तीन इक्वेशंस बन जाएगी। यस बेटा, तो बेटा आपकी ऐसी तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। अब मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपको तीन इक्वेशंस तो बना के देता हूं, बाकी सारा काम आपका खुद का होगा। तो पहली इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, द फर्स्ट इक्वेशन इज 4x + 3y + 2z = 60। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद इज सेकेंड, दिस इज 2x + 4y 4 kg, okay, 4y plus 6z is equal to 90, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई 6x plus 2y plus 3z is equal to 70, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीन इक्वेशंस, तीन अननोन, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो मेथड सिखाया है उससे आप सॉल्व करेंगे। आप ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखेंगे, लाइक दैट, इस तरह से वर्किंग करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू डाल देंगे, वन अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब तक तो तुम लोगों को लर्न हो गई होगी बी, ठीक है। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आई थिंक, थैंक यू। कोई डाउट नहीं ना, कर लोगे? ओके तो बच्चों थोड़ा सा अगर कर ले तो कल एक बच्चे ने मैसेज कराया है कि सर एक मिनट रुक जाइए, कहीं मैं वेट कर लेता हूं, आंसर बता दूं उसका। ओके मैं आंसर लिख देता हूं, जस्ट वेट। इसका आंसर है बच्चों x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8, ये बच्चों इसका आंसर है, आप चेक कर लो। मैं सिर्फ रुका हूं एक आध मिनट के लिए, ठीक है। तो बच्चों करना स्टार्ट कर लो भाई, किसी कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकता है। मैं एक क्वेश्चन आपको अभी देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन वो मिसलेनियस का ही है लेकिन एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है। जस्ट वेट, मैं आपको जस्ट दे रहा हूँ और आपको आंसर बताना पड़ेगा एबीसीडी में से कौन सा आंसर है उसका। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके बच्चों आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, दिख नहीं रहा है तो मैं इसको क्रॉप मार देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, अब दिखेगा, जस्ट वेट 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 वेट, ये देखो क्वेश्चन 19, बताओ बच्चों इसका कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में से। आंसर आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। मेरी आवाज आ रही है, सुन लो सब लोग, करना स्टार्ट करो। बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स में साफ साफ दिया है कि जो थीटा है वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। फिर आपसे कह रहा है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, और वो जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा कि 2 से इंफिनिटी, कि 2 से 4 ओपन ब्रैकेट, कि 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट, वगैरह वगैरह ये पूछ रहा है आपसे। तो सर सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, इसके डिटरमिनेंट जरा निकालो। डिटरमिनेंट, हाँ हाँ जस्ट वेट। अब बेटा डिटरमिनेंट या आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके निकालोगे या जैसे भी निकालोगे। जस्ट वेट वेट वेट, सबके लिए करता हूं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की प्रॉपर वर्किंग दिखाएं, क्योंकि सबको लेकर के चलना है, तो हम सबसे पहले
इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट, हाँ पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले लिख दिया है। तो कोई बच्चा है कि जिसने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया हो, तो बस हमको ये बता दे क्या आ रहा है निकल। किसी को अगर ये डाउट है कि ये कैसे आया, तो वो भी मेरे से पूछ सकता है भाई, किसी को डाउट है। उसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 times 1 plus sine square theta, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, हमने नहीं दिया है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो थीटा है आपका 0 to 2π के बीच में लाइक कर रहा है, यानी कि थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2π है, ऐसा कुछ लिखा है। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तो ये बताया गया है कि जो साइन थीटा होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1, और अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग करने पर वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चा अगर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 into 1 plus 0, दैट इज इक्वल टू 2। ये इसकी हो गई डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू, क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। और अगर हम बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो तुम कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर दोगे, तो ये 2 times 1 plus 1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। तो सर इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में लाई कर रही है, तो उसका सही आंसर हो गया डी पार्ट। किसी का अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकला हो, वो बिल्कुल झिझक ना करे कि उसका निकल नहीं रहा है, तुरंत हमको बताए, वरना फिर आप रह जाएंगे। सुन रहे मेरी बात, फिर आप रह जाएंगे, फिर कहना नहीं कि रह गए सर हमको तो समझ में नहीं आया। ओके, जेई मेंस का क्वेश्चन करा है, अभी कराते हैं, वेट करो। लो बेटा ले ही लो तुम क्वेश्चन। ओके, let's start with another question. If A, B and C are, ध्यान से देखिएगा, A, B, C are n, n है n, n मतलब number वाला n. If A, B, C are n cross n matrices and determinant of A is 2, ठीक है, determinant of B is 3 and determinant of C is 5, then the value of को निकालनी है, determinant of A square B C inverse is equal to, तो बच्चों उसकी value आपको निकालनी है। ये recently exam में आने वाला ही question है। A answer है 6/5, B आंसर है 12/5, C आंसर है 18/5 और D आंसर है आपका 24/5। आप आराम से करिए, रेस नहीं लगानी है। सर प्रीवियस पेज दिखा दी, क्या कर दे, प्रीवियस क्वेश्चन, ओके प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट वेट करो, अभी दिखाते हैं, ये बच्चों को नोट कर लेते हैं तो वो दिखाते हैं। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर 3 मैट्रिसेस है, उनका नाम एबीसी है, उनका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मैंने नहीं दिया। फिर कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ सी है 5, तो आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, इसका आंसर क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है, लिख लिया। ओके, तो बेटा ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन, जिसको देखना है वो देख सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन जिसको देखना है वो देख ले आराम से। राइट आई क्या? राइट नहीं आई, नहीं आई, राइट क्यों खोलते तो पता चल जाएगी राइट आई थी। सच बताइए, शिवान गुप्ता,
शिवांग आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अब उनको नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा फिर आपको। जैस्मीन ने अभी जवाब दिया है किसी ऑप्शन का। ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, ये पूछा गया। तो बच्चों आपने अपने प्रीवियस टेंथ का जो लेक्चर हमारे साथ किया था, यानी कि सिक्स्थ नंबर लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट वाली जो भी प्रॉपर्टीज है मैंने आपको लिखवा दी। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है। तो आपने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बच्चों क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं उसको इस तरीके से लिखता हूँ तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने टुकड़ों में लिखा है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सही में होगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी ना बचाओ, रुक जाओ। ये तीन वैल्यूज है, तो उसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? कहोगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ ये, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ये, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो भाई। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा, इस तरह से लिख लो, ये इस तरह से लिख लो, और ये वाला भी मैंने आपको बताया था, इसको आप वन बाई सी लिखोगे तो ऊपर डिटर्मिनेंट वन का वन हो जाएगा, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लेकिन आपको नहीं याद है, आप भूल गए हो, तो अभी देख लो। अब जो सारी वैल्यूज आपको पता है, चेक कर लो, सारी वैल्यूज आपको पता है। ये हो गया टू स्क्वायर, ये हो गया थ्री और ये हो गया फाइव। कितना आंसर आया? आंसर क्या आया? टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई फाइव। आंसर इज बी पार्ट। चेक करो कितने बच्चों को नहीं आया, भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं आया होगा। तो ये बच्चों रिसेंटली क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं लेकिन अब खोलने में स्लाइड टाइम लगेगा, वरना मैं आपको डायरेक्ट दिखाता। ये डायरेक्ट मेरे ख्याल से आप जेई मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। ओके, सबका साथ सबका विकास। अगली बार चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, वो है वन टू माइनस वन, माइनस वन वन, टू टू माइनस वन वन, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, पूछ रहा है देन डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए इज, देखो क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, याद आता है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एड, भाई मैंने एडजॉइंट ए का तो मॉड आपको बताया था कि वो मॉड ए की पावर एन माइनस वन, याद है? हाँ 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 हाँ, ये देखो किसी बच्चे ने बताया कि सर आपने बताया था कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एन माइनस वन का पावर होल स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है और आप ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपके पास टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि पहले आप ए का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, सोचिए कितना टाइम टेके ना। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट से कर रहे हैं, आपको याद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो आप जल्दी कर लोगे। ओके, एक बच्चा कह रहा सर एक बार पहले वाले एक बार नोट्स दिखाइए, लो बेटा नोट्स देख लो, हम तो मेरे दिखाते हैं, जस्ट वेट। पता नहीं मैंने प्रॉपर्टीज लिखी कहा है, मेरे को खुद नहीं याद है, जस्ट वेट। ये देखो ये प्रॉपर्टीज, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी नंबर है फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर है। देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर टू और वन का तो आपने एप्लीकेशन देखा ही था, इवन आपने प्रूविंग भी देखी थी, तो ये प्रॉपर्टी नंबर फोर है, ठीक है। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे आपको ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी तो याद हो ही गई, ठीक है। और अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं लेते हैं तो वो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में देखो आपने डिटर्मिनेंट नहीं लिया है, वो है मॉड ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, ठीक है, समझ गए। और बच्चों एक बात आपको बताएं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना स्कूल में, सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं अभी, उसमें ये सेकेंड प्रॉपर्टी जरूर यूज की जाती है। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन होता है, इसको जरूर यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो आपको याद तो आ गया होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर किसी ने निकाला? 14 की पावर 14 की पावर 196 इनटू 196। ओके, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लिया होगा, डिटर्मिनेंट है इसका 14। यस, इसका n होता है ऑर्डर, n मतलब ऑर्डर होता है, ये तीन ऑर्डर है इसका, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी कि ये हो गया 14 की पावर 4, आंसर आ गया। एक झटके में आपने आंसर निकाल दिया, देखा एक झटके में कैसे निकला। yes, yes. अब देखो एक क्वेश्चन और देना, उसको गलत ना करना, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी बहुत देर तक बताई थी, बल्कि मैंने खोल खोल के वो प्रॉपर्टी आपको बताई थी। चलो अब देखें क्या जवाब आता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन गलत बहुत पेज होता है। इफ ए एंड बी आर यूनिट मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 4x4, देन देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab² इज इक्वल टू, क्वेश्चन हो गया खत्म, बताइए आंसर। ए और बी आपकी यूनिट मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x4, तो आपसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट आपको निकालना है, किसका 3ab² इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। कौन आंसर बता रहा है? 27। क्या है? 27। देखो सबके गलत होने लगे, आंसर भटक गया सकते हैं। चलो फिर से आंसर सोचो क्या होगा, बताओ आंसर सबके एक सेकंड में भटक गए। बच्चों याद करो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जस्ट वेट, मैंने आपको ऐसे लिखवाया था के ए का डिटरमिनेंट, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था के की पावर एन इनटू ए डिटरमिनेंट। देखो याद आ गया। तो तुम कहोगे सर ये k की जगह आपका 3 काम कर रहा है यहाँ पे, और सर आपने ऑर्डर 4 दिया है, तो ये होगा 3 की पावर 4 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर, तो सर 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, ये हो गया 1 और ये 1, तो आंसर आ गया 81। यही तो बताया था सर। यस सर, यही तो बोला था। नहीं मेरे को 27 भी तो बोला था। अरे बोला होगा किसी ने, कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात, थम्स अप। अब इसमें हम थम्स अप भेज नहीं पाएंगे, ऐसे ही समझ लो। तो आई थिंक काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग ले जाते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज बस यार यूज करने आना चाहिए, और कोई धमाके थोड़ा ना होते। चलो अब एक क्वेश्चन है दे रहे हैं, जस्ट वेट, इसको अभी देख लो, किसी को दोबारा तो नहीं पूछना है, ऐसा ना ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे और क्वेश्चन ही ना निकले। तो बच्चों एक चीज मेरे को आपको सिखानी है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पे कोई क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया है? किस पे? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस। नो सर। ओके कराते हैं, क्योंकि मेरे को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स सिखाना भी है, तो मैं उसकी थ्योरी तो शायद बताई होगी पहले टर्म पे, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन को करा करके आपको थ्योरी समझा देता हूँ,
तो बच्चों आपके पास a प्लस टू बी नाम की एक मैट्रिक्स गिवन है, a प्लस टू बी, ठीक है, वहां है 1 2 0। ध्यान से देखना, ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी है और जेई का भी क्वेश्चन है, तो सारी चीजें इसमें हम थ्योरी शायद नहीं बताई, एंड कोई बात नहीं, मैं सिखा दे रहा हूं उसको, मैं इसमें बताता हूं, देखो आराम से। और 2a माइनस b आपका गिवेन है, क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ, छूट जाएगा 2 माइनस 1 5। मैं इसीलिए प्रिंटेड नहीं लगाता हूँ, प्रिंटेड लगाऊंगा तो सबका छूटने लगेगा, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड से चलूंगा। 0 1 2, ठीक है, इसमें क्वेश्चन गया है कि देन ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू, ये है क्वेश्चन। अब आप लोग को कहा गया कि ये भैया निकालना है, तो सबसे पहले हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आपको बता दें क्या होता है। तो बच्चों किसी भी, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, अगर आपको उसका ट्रेस निकालना होता, ट्रेस का मतलब कुछ नहीं होता, उसका जो डायगोनल होता है उसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स का सम कर दो तो आपका उस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाए। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है वो ए प्लस टू बी है, अगर हम ए प्लस टू बी मैट्रिक्स का एक नया नाम दे दे, लेट्स से पी नाम दे दे, ए प्लस टू बी कहने में बड़ा लग रहा है, मान लो उसका नाम है पी, तो अगर हम इस पी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो उसके डायगोनल के एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट देखो अपनी स्क्रीन पे देखो, इन एलिमेंट्स का सम कर देंगे तो हम इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, ट्रेस। तो उसका ट्रेस कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 3, दैट इज माइनस 1। तो बच्चों बहुत बड़ा कोई अपने दिमाग में बवाल ना बैठा दो कि ट्रेस तो पता ही नहीं है, ट्रेस कुछ नहीं होता है, ट्रेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो मैंने आपको डायगोनल दिखाया है, अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आप सम ले लेते हो तो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, ट्रेस आ जाता है। सिर्फ इतनी सी थ्योरी होती है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। तो बच्चों अब आपके पास देखो क्वेश्चन करने के लिए क्या डाटा दिया गया है, आपके पास एक ए प्लस टू बी है और एक टू ए माइनस बी है, और आपसे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। बच्चों अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक मिनट, ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताने वाला हूं, लेकिन जो बच्चे बिना प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, जिनको सिर्फ ट्रेस ही पता है, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे सर a प्लस टू बी गिवन है, 2a माइनस b गिवन है, हम एक काम कर लेते हैं, पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मैट्रिक्स में भी हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं तो सर b निकल आएगा, और b की वैल्यू पुट करके a निकाल लेंगे, और सर a मैट्रिक्स आ गई, b मैट्रिक्स आ गई, तो हम दोनों के ट्रेस ले लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने कहा क्वेश्चन हो तो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन होने में आपका बवाल बहुत हो, मतलब टाइम बहुत लगेगा। तो अब आप कहोगे सर आपका क्या शॉर्टकट है, तो देखो शॉर्टकट जो बता रहे हैं हम, शॉर्टकट उससे हम आपको प्रॉपर्टीज भी सिखा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज सीखनी है, ठीक है। आइए, ट्रेस तो आप समझ गए, जैसे आपने इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखी, ट्रेस की भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, बस वो याद रखना। तो बच्चों ये ट्रेस के अंदर अगर लिखा हो K1A, के और के वन और के टू में कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, अगर ऐसे लिखा हो तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के वन टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस के टू टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी की तरह बेटा करो उसको, अभी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको अभी करनी है यही, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप क्वेश्चन जल्दी कैसे करोगे, हमने कहा जल्दी करके दिखा रहे हैं यार, जल्दी ना मतलब, चलो अब पहली इक्वेशन देखो आपके पास क्या थी, a प्लस टू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, तो हमने कहा दोनों तरफ ट्रेस ले लो, तो तुम कहोगे सर ट्रेस लेंगे तो क्या आएगा, आएगा ट्रेस ऑफ a प्लस टू बी, ये तो आएगा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। और बच्चों अभी हमने इस मैट्रिक्स का ट्रेस आपको निकाल के बताया था, क्या आया था इस मैट्रिक्स का ट्रेस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस आया था माइनस वन, क्या आया था माइनस वन, ये देखो बच्चों माइनस वन। अब बच्चों अभी अब प्रॉपर्टी भी बताई, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इस पे अप्लाई कर दो, तो तुम कहोगे सर ये ट्रेस ऑफ ए हो गया और टू टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी हो गया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, प्रॉपर्टी अभी बताई ना, प्रॉपर्टी को यूज किया उसको ब्रेक कर दिया और आपकी इक्वेशन वन बन के प्रिपेयर, ठीक है। अब बच्चों दूसरी वाली इक्वेशन पे चलाओ, दूसरी वाली इक्वेशन है 2a माइनस b इज इक्वल टू मैट्रिक्स, हमने कहा उसमें दोनों तरफ ट्रेस ले लो, तो तुम कहोगे सर ट्रेस ऑफ 2a माइनस b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स,
तो कोई बच्चा बताएगा इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? थ्री. यस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा थ्री. गुड यार, इसको बने रहन देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, वरना ऐसा ना हो आपको ट्रेस पता ही नहीं हो, बार बार ये ना कहने लगो. ओके, टू प्लस टू फोर, फोर माइनस वन, ये हो गया थ्री. तो बच्चों इसको प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी. यस यस, एक बच्ची है बहुत अच्छा बता रही है, ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री. ये बच्चों आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब बच्चों अब आप कहोगे सर आपके पास जो इक्वेशंस बनी है ना वो आपको समझाने में बड़े समय लग रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग बिगनर हैं इसलिए समझ रहे हैं, लेकिन सर ये दो इक्वेशंस तो काफी जल्दी बना लिया आपने अगर रियलिटी में देखें, क्योंकि सर जिसको पता होगा तो फटाफट वो ब्रेक करके सीधा डायगोनल एलिमेंट का सम कर देगा, मतलब देखते ही वो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बना लेगा. अब बच्चों अगर आपको ये ट्रेस ट्रेस देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ट्रेस ऑफ ए को एक सेकंड के लिए एक्स मान लो और ट्रेस ऑफ बी को एक सेकंड के लिए वाई मान लो, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छा लगे. देखो एक मिनट, अब अच्छा लग रहा है? तो ये दो इक्वेशंस बन गए. अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो जल्दी से, एक्स और वाई बताओ, सॉल्व करो. ट्रेस बी माइनस वन. ये देखो किसी ने बताया कि x है आ रहा है 1 और y आ रहा है माइनस 1. तो बेटा ये है आपका 1 और ये है आपका माइनस 1. और आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया था ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, ये पूछा गया था, यानी 1 माइनस माइनस 1. तो आपका आंसर क्या आया? 2. 2 इज द आंसर. तो बच्चों आप ध्यान से देखो, मैंने आपको ट्रेस भी समझाया, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी समझाया, और जेई का क्वेश्चन भी कराया. तीन तीन काम एक साथ चला है इसमें. हाँ बेटा बताइए सर, इसमें जैसे K3C भी हो सकता था तब भी ब्रेक कर देते? हाँ बिल्कुल ब्रेक हो जाता, बिल्कुल एडिशन में सब्ट्रैक्शन में वो ब्रेक हो जाता है, बस यही दो प्रॉपर्टी होती है और कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं. अगर आप प्रॉपर्टी कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लस और माइनस दोनों लगा दो इस तरह से, और कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, बस इतना ही होता है ट्रेस, ठीक है, और कुछ नहीं होता है ट्रेस. अपने दिमाग में ऐसा ना बैठा लो कि बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे जी? नहीं, इसका टाइम है कि चला गया अभी एक टाइम? हाँ आओ एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, करो. चलो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ. लिखो मैट्रिक्स, लिखना स्टार्ट करो. मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए माइनस आई. लिखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए माइनस आई. अब मैं आई के लिए लिखूंगा नहीं कि आई क्या है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. देन फॉर, ओके एक सेकेंड, इस मैट्रिक्स जो ए है वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है. आप अपने आप से लिख लेना कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको तो रिवीजन करना पड़ेगा ना. और यहाँ पे बच्चों एन क्या है? एन है ग्रेटर और इक्वल टू टू, ठीक है. एन दो है या दो से बड़ा है, ठीक है. और आपको निकालना है ए एन क्या होगा. ए एन इज इक्वल टू, चार ऑप्शन भी दे रहा हूं, ए एन इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू दो होगी या दो से बड़ी, इसका मतलब वो दो तीन चार पांच छह ये हो सकती है. चार ऑप्शंस भी देखता हूं. पहला ऑप्शन है एन ए, जस्ट वेट मैं चार ऑप्शंस दे रहा हूं, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो. फर्स्ट ऑप्शन है एन ए माइनस आई, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है टू की पावर एन माइनस वन ए माइनस एन माइनस वन आई, ऐसा कुछ लिखा है. सी ऑप्शन है एन ए माइनस एन माइनस वन आई, और चौथा ऑप्शन है वो है टू की पावर एन माइनस वन ए माइनस आई, ऐसा कुछ. बहुत रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन दे दिया सीधा. डी ऑप्शन लास्ट वाला, लास्ट वाला डी ऑप्शन, ठीक है. एक जवाब आया डी,
ठीक है, देख लेंगे बाद में। इतनी जल्दी वैसे वर्किंग होगी नहीं, गूगल से भी आंसर ना बताना, चलो करो। तो बच्चों पहला रिलेशन आपके पास देखो दिया क्या है, दिया है a square is equal to 2a minus n। अब बच्चों ये a की पावर n पूछ रहा है, n कह रहा नेचुरल नंबर है, ठीक है, और n दो होता है तो n दो वाला तो रिलेशन दिया ही हुआ है a square वाला, ठीक है, मतलब a square तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, a की पावर n पूछ रहा है, तो एक काम करो a square पता है मतलब, तो आप a cube निकाल सकते हो क्या, a cube निकालो, a cube कैसे लिखोगे, a cube का मतलब हुआ a into a square, यही मतलब हुआ, यही हुआ ना, a square कितना है, a square हुआ 2a minus i, ये जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a square minus a into i मतलब a into i मतलब a, इसको फर्दर रिड्यूस कर लो बच्चों, a square की वैल्यू कितनी है, अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो फर्दर रिड्यूस करो, a square की वैल्यू कितनी है 2a minus i minus a, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 4a minus 2i minus a, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के आई है that is 3a minus 2i, ये बच्चों a cube, मैंने a cube निकाल लिया, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने अभी just a cube निकाला है, this is 3a minus 2i, ठीक है। अब आपने कहा कि सर a की पावर 4 निकालिए क्योंकि आपको a की पावर n निकालना है, तो आपको 2, 3, 4 में कोई ना कोई सिमिलैरिटी नजर आएगी, उसी से आप निकाल लेंगे, तो a की पावर 4 हो जाएगा a into a की, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये b ऑप्शन, ओके c ऑप्शन, ठीक है, ओके। तो बच्चों a into a cube, a cube की वैल्यू कितनी निकाली है 3a minus 2i, जरा इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 2ai, ai मतलब 2a ही हो गया, फिर से यहां वैल्यूज पुट करो, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a माइनस i माइनस 2a, ये हो गया 6a माइनस 3i माइनस 2a, कितना आ गया, आ गया 4a माइनस 3i, ठीक है 4a माइनस 3i, इधर ध्यान दो बच्चों, एक मिनट के लिए इधर ध्यान दो, देखो आपके पास a स्क्वायर क्या क्या गिवन था, a स्क्वायर गिवन था 2a माइनस, ठीक है, आपने a की पावर 3 भी निकाला था 3a माइनस 2i, इधर ध्यान दो, फिर आपने a की पावर 4 भी निकाला है, वो आया 4a माइनस 3i, तो कहोगे सर ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, तो हमने कहा तो क्या a की पावर n नहीं बता सकते, कहोगे सर a स्क्वायर है तो वो 2a है, a क्यूब है तो 3a है, a की पावर n होगा तो वो na हो जाएगा, और सर यहाँ जब 2 होता है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होता है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है तो यहाँ 3 होता है, एक कम होता है, यानी कि यहाँ n माइनस 1 होगा इनटू i, बोलो भाई समझ में आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इज फिनिश, आंसर आ गया, नहीं आया समझ में, आ गया, के और टाइम है एक और करा दे, यस सर, यस सर, ओके एक और करा दे, एक और करा देते हैं, जो एक करा रहे वो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन चेक करो पता नहीं कर पाओ कि ना कर पाओ, ओके क्वेश्चन, A is an involuntary matrix, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप अटक जाओगे, कहोगे सर हमको तो involuntary matrix पता ही नहीं है, हमको तो involuntary matrix पता ही नहीं है, involuntary, जस्ट मैं वेट करूं फिर से लिखता हूं, जरा से बात होती है, I N V O L U T O R Y, involuntary matrix, तो क्या होती है involuntary matrix, कोई बच्चा बताएगा, किसी भी मैट्रिक्स को इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स कब कहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा थ्योरी में पढ़ाया था मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वैसे इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स भी होता है, ये आपके पास डाटा गिवन है,
ओके तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। देन इनवर्स ऑफ ए बाई टू विल बी, क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ, अगर आपकी ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी आपके सामने गिवन है, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ ए बाई टू, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ ए बाई टू, किसी का निकला सर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का एक और बार बता दीजिए। हाँ अभी लिख देते हैं, अरे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, ये होता है कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, दिस इज कंडीशन फॉर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, मैंने लिख दिया इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स मतलब ये होता है, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होता है, वैसे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई। चार ऑप्शन बी ऑप्शन बी फॉर बॉय, बी फॉर बाबू, बी ऑप्शन। ओके बच्चों चलो जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर ऐसे आपका पेशेंस भी नहीं तो ब्रेक कर जाएगा, क्लास में लीव कर बैठो आप। ओके सबसे पहले बच्चों हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर एक मैट्रिक्स है ए बाई टू, हमें उसका इनवर्स निकालना है। ओके अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उसके प्रॉपर स्टेप्स में आपको कैसे बताऊं, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का बता दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओके डीमल्टीप्लाई। सबसे पहले बच्चों इधर ध्यान देते हैं, एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो एक काम कर लो बच्चों ध्यान से देखो, ए स्क्वायर को आप लिखो ए इंटू ए, ऐसे लिखो पहले, ठीक है, और दोनों तरफ पहले ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। अब बच्चों ए इनवर्स इनटू ए ये हो जाएगा आई इनटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई, तो बच्चों यहां से एक रिलेशन निकल रहा है, रिलेशन ये निकल रहा है कि जो ए है वो ए इनवर्स के इक्वल, तो एक रिलेशन तो हमने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि इसने खुद ही कहा था वो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, तो मैंने उससे एक इनवर्स का रिलेशन तो निकाल ही लिया। लेकिन बच्चों हमें जो है a बाई टू का चाहिए, तो a बाई टू का, तो एक काम कर लेते हैं डिफाइनिंग रिलेशनशिप यूज कर लेते। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी a इंटू बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं कि जो b है वो a का क्या है, इनवर्स है। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो हम बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे कि वो क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी नोट्स में कराया था, मैं यहां पे दोबारा बता देता हूं, हियर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, ये कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, मैंने आपको दोबारा थ्योरी लिखवा दिया, ठीक है। अब बच्चों लेकिन हमें यहां पर क्या है, हमें तो यहां पर एक मैट्रिक्स है ए बाई टू, हमें ए बाई टू मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, तो बच्चों हम यहां क्या करते हैं, ए बाई टू जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हम लेट कर लेते हैं बी, और अगर बी ए बाई टू मैट्रिक्स का इनवर्स है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों यहां से आप बी निकाल लो, आपका काम हो गया, लेकिन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स वो यूज कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि वो ऊपर से हमने निकाल दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां करते हैं दोनों तरफ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया ए इनवर्स, ठीक है भाई, ये हो गया ए इनवर्स ए बाई टू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है, हमें यहां से बी की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए हो जाएगा आई, ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स, तो आपका आ जाएगा जो बी है बी हो जाएगा टू ए इनवर्स,
यानी कि जो ए इनवर्स है वो ए के इक्वल है तो बी आपका आ गया टू। यस बेटा बताइए कुछ बोल रहे हो? सर ए बाई टू वाली लाइन से बता दीजिए सर, हैंग हो गया था फोन। कोई बात नहीं, देखो बेटा मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी ए बी इज इक्वल टू आई अगर ऐसा लिखा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो बी होता है वो इनवर्स होता है ए का, ऐसा होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ए बाई टू कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या मान लिया कि जो ए बाई टू मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमने मान लिया बी, और हमें बी निकालना है। और अगर B A by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर तो बताया। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ A इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोनों तरफ A इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स इनटू A क्या हो गया? वो हो गया I, और ये बच गया B by 2। I को लिखता है नहीं तो A इनवर्स इनटू I फिर से A इनवर्स हो गया। तो यहां से आपकी बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हो गई 2a इनवर्स। लेकिन आपने ऊपर निकाल रखा था कि जो a इनवर्स है वो a के ही इक्वल है, क्योंकि आपने जस्ट ऊपर अभी निकाल रखा था। तो वहां से आपने a इनवर्स की वैल्यू a डाल दी तो आपका आंसर आ गया 2a, यानी b इज इक्वल टू 2a, यानी कि आपका सही आंसर है a पार्ट। तो a पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको नहीं समझ में आया हो, क्वेश्चन थोड़ा सा हटा हुआ था, हटा क्या हुआ था, इसमें काफी सारी बातें आपको सीखने को मिल रही है, इसलिए मैंने दे दिया था। आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पता पड़ गया क्या होता है, किसी अगर बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो ए बी इज इक्वल टू आई लिखते हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो दोबारा याद आ गया होगा। और बाकी आपको किस तरह से वर्किंग करनी होती है मैंने आपको सिखाया, सीखना तो पड़ेगा ही, नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, ए बाय टू हो गया ना क्या? A by 2 को मत क्या कह रहे हो बेटा? बेटा ये 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ ही तो जाएगा क्रॉस, ऊपर वाला इनवर्स ही तो होगा। ऊपर वाला स्टेप बेटा A इनवर्स इनटू A आपका आई हो गया, इससे ऊपर वाला 2 कैसे नीचे आ गया, मल्टीप्लाई किया ना तुमने? नहीं भाई, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो, हमें a by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना होता है तो मान लो a by 2 क्या, मान लो वो a by 3 भी दे सकता था। अगर हमें a by 3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे कि उस मैट्रिक्स के साथ अगर b मल्टीप्लाई करेंगे तो i आना चाहिए, और b क्या होगा, वो a by 3 का इनवर्स ही तो कहलाएगा। yes. ये तो मैंने आपको जनरल थ्योरी बताई, इसमें थोड़ा ना 2 से डिवाइड, ये तो हमने थ्योरी बताई आपको कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर है तो जो दूसरी मैट्रिक्स होती है वो पहले वाले का इनवर्स होती है। पहली मैट्रिक्स जरूरी थोड़ी ना ए बाई टू ही हो, तो ए बाई थ्री भी हो सकती है, ए बाई फोर भी हो सकती है। ये तो हमने एक थ्योरी वाला पॉइंट बताया आपको। yes.